तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है जो मेरी रेगुलर वीडियोज होती है। तो जनरली आपने देखा होगा मैं क्यूब की बात करता हूँ या एक्सप्लेनेशन की बात करता हूँ, लेकिन लास्ट कुछ महीनों से, स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो 3 महीनों से मेरी एक भी वीडियो नहीं आई है चैनल पर, और जो रीच है वो बिल्कुल ही कम हो चुकी है। मतलब व्यूज़ तो पहले भी बहुत कम आते थे लेकिन अब तो बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँगा क्या हुआ था मेरे साथ इन 3 महीनों में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करते हैं, और वो है क्लास 12th के बोर्ड्स। तो क्लास 12th एक ऐसा पॉइंट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में जब उसमें हर किसी का प्रेशर होता है, स्कूल का प्रेशर अलग होता है, फैमिली का प्रेशर अलग होता है, और वो बच्चा अपने 100% दे रहा होता है ताकि वो एक अच्छा स्कोर पा सके क्लास 12th के बोर्ड्स में, क्योंकि वही एक परसेंटेज जो एक नंबर होता है वही उसको जज किया जाता है, उसी के बेसिस पे उसको जज किया जाता है और उसी के बेसिस पे उसे कॉलेज दिया जाता है और वो अपने कॉलेज मूव करता है। और स्पेशली क्लास 12th हमारा स्कूल का लास्ट स्टेज होता है और वो भी काफ़ी टफ होता है। आपके जो सारे फ्रेंड्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, आपकी किसी से बात नहीं हो पाती, और जो ये सारा प्रोसेस होता है वो काफ़ी टफ होता है। और स्पेशली मेरे जो बोर्ड थे वो तो फेब में स्टार्ट हो गए थे, तो तब भी मैंने फेब और मार्च में एक दो वीडियोस तो अपलोड की थी जिसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था, लेकिन जो असली पंगा हुआ था वो हुआ था मार्च के बाद। बोर्ड थे वो फरवरी में स्टार्ट हो ही चुके थे और 18 मार्च तक वो ख़त्म भी हो चुके थे, और मेरे बोर्ड्स वो डिसेंट गए थे। और इस टाइम तक मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट आ भी चुका है 12th का, और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरे उतने ही मार्क्स आए हैं एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट। तक तो ठीक ही था, मैं मतलब बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहा था और एक दो वीडियो मैंने अपलोड भी की थी और आई वॉज डूइंग गुड एंड मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक आते थे। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम थी वो हुई थी 18 मार्च के बाद जब मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए, और बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद सबको एक ही प्रॉब्लम होती है और वो होती है एंट्रेंस टेस्ट की, और मेरा जो एंट्रेंस टेस्ट था वो था नीट। और जिस किसी को नहीं पता कि नीट क्या होता है मैं आपको बता दूँ, नीट एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे जिसमें अगर आपने क्वालिफाई किया तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर सकते हैं और MBBS करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो मुझे हमेशा से ही डॉक्टर बनना था, लेकिन मैं 12th के साथ साथ ही नीट की प्रिपरेशन कर रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था। मतलब आप 12th की बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहा था मैं और नीट की तैयारी भी कर रहा था, तो साथ साथ में एक दोनों मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा था। और बोर्ड्स के बाद तो ऐसा हो गया था मैं ना ही क्यूब कर पा रहा था और मैं कंसिस्टेंट भी नहीं था, मेरे सॉल्स का एवरेज भी इतना ज़्यादा कम हो चुका था और मैं ना ही पढ़ पा रहा था। और मेरा जो नीट का पेपर था वो 7 मई को था, 7 मई को अभी मैंने पेपर दिया है और मेरा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। का पेपर तो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, मुझे तो नहीं लगता कि मैं इस साल क्वालिफाई कर पाऊँगा, लेकिन इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस साल ड्रॉप लूँगा और अगले साल नीट 2024 की प्रिपरेशन करूँगा अच्छे तरह। और साथ ही साथ मैं एक आध वीडियोस हफ्ते में और एक आध शॉर्ट्स अपलोड कर दिया करूँगा ताकि आपको रेगुलरली कॉन्टेंट मिलता रहे। तो बस यही थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर आपका मन हो तो और सब्सक्राइब भी कर देना, नीचे एक ब्लैक कलर का या वाइट कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, यूट्यूब ने कलर चेंज कर दिया है। और सॉरी फॉर कीप कैप्टिव वेटिंग फॉर द वीडियो, और अब से वीडियोस रेगुलर रहने वाली हैं, हर हफ्ते में मैं एक दो वीडियोज़ जरूर अपलोड करूँगा। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।